हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं चमचम की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ईजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चमचम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह के कोकोनट को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मार्केट से इसका बुरादा ले सकते हो जो आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने शुगर लिया हुआ है और थोड़ा सा कलरफुल। तो हम इसे थोड़ा सा ग्राइंडर में फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया। ये लगभग 200 ग्राम होगा और 200 ग्राम लगभग हम चीनी लेंगे बराबर मात्रा में। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया। अब हम चीनी डालेंगे। और हम पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है बस कि चीनी हमारी बस पूरी तरह से भीग जाए। फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चमचम बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये देखिए, हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम एक तार जैसी चाशनी बनाएंगे। चाशनी गाढ़ी होने लगी है। अब इसे स्टेज पर हम अपना एक कलरफुल डाल देंगे जिससे हमारा कलर चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ रहा है। अब इसी स्टेज पर हम अपना ये ब्रादा डाल देंगे नारियल का। अच्छे से मिलाएंगे आपस में। अब से हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा मिश्रण तैयार हो चुका, गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा हल्का सा चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। और एक चम्मच हम घी ऐड करेंगे। इससे हमारे चमचम बिल्कुल साइन बनेंगे, चमक आएगी। ये देखिए, चलिए अब हम बना लेते हैं इसको। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चमचम। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, गुनगुना है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है जिससे हमारा हाथ ना जले। अभी थोड़ा सा गर्म है। अभी थोड़ा सा जल रहे हैं। तो इस तरह से हम मुट्ठी से बांधेंगे इस तरह से।
आप चाहें तो इसको गोल भी शेप दे सकते हैं, पर हम चमचम बना रहे हैं तो इसको हम चमचम का शेप देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बुरादा में डिप कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे चमचम तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने चमचम को इस तरह से तैयार कर लिया है। वैसे तो चमचम बनाने में बहुत सा टाइम लगता है, पर हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बनाना बताया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आप सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।